बच्चों, पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा है समाकलन, जहाँ पर आपने समाकलन की मूलभूत अवधारणाओं को पढ़ने के बाद में कुछ प्रमाणिक फलनों के समाकलनों को देखा। उसके बाद में हमने देखा कि खंडसा समाकलन का उपयोग करके किस प्रकार किसी फलन का समाकलन ज्ञात करते हैं और विभिन्न विभिन्न फलनों को आपने देखा। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कठिन समाकलन, जहाँ पर फलन परिमेय भिन्नों के रूप में होंगे, जैसे कि 1/ax² + bx + c, 1/√ax² + bx + c, px + q/√ax² + bx + c। इस प्रकार के अलग अलग फलन दिए गए होंगे जिसका कि हम समाकलन करना इस अध्याय में सीखेंगे, और परिमेय फलन को हम आंशिक भिन्नों के रूप में किस प्रकार बदलेंगे और आंशिक भिन्नों को किस प्रकार हम समाकलन करेंगे इस अध्याय में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं आगे की ओर। 1/ax² + bx + c का समाकल ज्ञात करना। माना कि दिए गए फलन का समाकल है i, i = ∫ sin 1/ax² + bx + c (dx). अब इसका समाकलन करने के लिए हम सबसे पहले x स्क्वायर का जो गुणांक है उसे हम एक करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हम a को उभयनिष्ठ निकालेंगे और समाकल चिन्ह के पहले निकालेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 1/(a)(∫sin(dx)/(x²)/(b)(a)(x)+(c)(a)। अब ब्रैकेट के अंदर जो राशि है उसे हम पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि पूर्ण वर्ग के योग या अंतर के रूप में हम इसे लिख सकें। तो आप देख पा रहे हैं कि मध्य पद जो है, जिसमें x है या x का जो गुणांक है, वह धनात्मक संख्या है। तो a+b² = a² + 2ab + b², उस फॉर्मेट में हम इसे अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसे हम लिखेंगे i = 1/(∫sin(dx)/(x²)/(2)(x)(b/2a) + (b/2a²) + (c/a) - (b²)/4a². तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने b/2a के वर्ग का वर्ग को जोड़ा और इस पद को हमने घटा दिया। तो हर में जो राशि दी गई है उसके प्रथम तीन पद पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं x + b/2a² तो इस प्रकार पूर्ण रूप से हमें मिल रहा है i = 1/(a)∫sin(dx)/(x+b/2a)² + 4ac - (b²)/4a². माना कि यह समीकरण एक है। अब इसमें हम दो अलग अलग स्थितियों को देखेंगे। पहली स्थिति है यदि 4ac - (b²)0, अर्थात 4ac - (b² यदि धनात्मक संख्या है, तब 4ac - (b²)/4a² यह धनात्मक मान मिलेगा। तो इस प्रकार i = 1/(a)∫sin(dx)/(x+b/2a²) + √4ac - (b²)/2a²। अब इस इंटीग्रेशन को सरल करने के लिए, समाकलन करने के लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि माना x + b/2a = X। दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा dx = d X, क्योंकि b/2a कांस्टेंट है, चर से रहित पद है, इसलिए उसका अवकल गुणांक या अवकलन शून्य होगा। और हम एक और प्रतिस्थापन उपयोग करने वाले हैं, जहां पर हम लिख रहे हैं K = √4ac - (b²)/2a। चूंकि ये पूरा पद भी x से स्वतंत्र पद है, इसलिए हम इसे k अचर से प्रतिस्थापित करेंगे। तो इस प्रकार हम लिखेंगे i = 1/(a)∫sin(dx)/X²+(K²). अब जैसा कि जानते हैं कि ∫sin(dx)/(x²)+(a² का समाकलन होता है 1/(a)tan−1(x)/a, तो उस सूत्र का उपयोग करके हम इसे सरल करेंगे तो हमें मिलेगा i = 1/(a)∫sin(dx)/(x²)+(a²)
वन अपॉन ए ये पहले से था, इसके बाद वन बाई के क्योंकि ए के स्थान पर यहां पर है के, और फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहां पर मिल जाएगा टेन इनवर्स कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल के। अब के का मान और कैपिटल एक्स का मान हम यहां पर रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा कैपिटल आई इक्वल टू वन अपॉन ए इंटू टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस बी बाई टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए। तो इस प्रकार हमें समाकलन मिल रहा है इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू टू अपॉन स्क्वायर रूट ओवर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर। यह पहली स्थिति हुई। अब चलते हैं दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति यह है कि यदि फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन जीरो, अर्थात फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर का मान ऋणात्मक होगा, तब 4ac माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर का जो मान होगा यह भी हमें ऋणात्मक मिलेगा। अब समीकरण एक में हम लिख सकते हैं कैपिटल आई इक्वल टू वन अपॉन ए इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। आगे सरल करते हैं, I इक्वल टू वन अपॉन ए इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। इसे भी सरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे, जहां पर हम लिखेंगे कि माना स्मॉल x प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू कैपिटल x, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dx इक्वल टू डी कैपिटल x। यहां पर भी स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए यह एक अचर राशि है, इस वजह से इसको हम इक्वल टू कैपिटल के ले रहे हैं। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन रखने पर या प्रतिस्थापित कर देने पर हमें जो मान प्राप्त होगा वह होगा आई इक्वल टू वन अपॉन ए इंटीग्रेशन साइन डी कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल के स्क्वायर। और चूंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन होता है वन अपॉन टू ए इंटू लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, उस सूत्र का उपयोग करेंगे और आगे हमें मान मिल जाएगा आई इक्वल टू वन अपॉन ए इंटू वन अपॉन टू के इंटू लॉग ऑफ कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल के अपॉन कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल के। अब कैपिटल के और कैपिटल एक्स का मान हम यहां पर रख देंगे तो यह राशि हमें मिल जाएगी वन अपॉन ए इंटू वन अपॉन टू इंटू स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस बी बाई टू ए माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए देन होल अपॉन एक्स प्लस बी बाई टू ए प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो इस प्रकार इस दिए गए फलन का हमें समाकलन मिल रहा है इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इंटू लॉग ऑफ टू ए एक्स प्लस बी माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू टू अपॉन स्क्वायर रूट ओवर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर। ये पहली स्थिति थी। और जब फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो होगा तब यह स्थिति थी, तथा जब 4ac माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन जीरो होगा तब हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू लॉग ऑफ 2ax प्लस बी माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ax प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो इन अवधारणाओं का उपयोग करके हम आगे प्रश्नों को सरल करेंगे। आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि इस प्रकार यदि फलन दिए गए हो तो उसका समाकलन किस प्रकार करते हैं। हर में जो राशि दी गई है उसे हम पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। माना कि दिए गए फलन का समाकलन आई है, तो इसे हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। प्रथम दो पद को देखने से आपको यह समझ आ रहा होगा कि x स्क्वायर प्लस 2x, इसका मतलब ये कि x प्लस वाई का अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। प्रथम पद आपको मिल चुका है x, दूसरा जो पद है यह 2xy है, तो ये 2 इंटू एक्स इंटू 1 होगा, तभी ये इस फार्मूले पे फिट बैठेगा। तो इसका मतलब ये कि यदि इन दोनों पदों के अलावा एक पद और हमें मिल जाए जो कि 1 हो, अर्थात dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5 माइनस 1, एक को हमने जोड़ा और एक को हमने घटा दिया, तो इस तरीके से ये बैलेंस बना हुआ है। अब ध्यान दीजिए कि प्रथम तीन पद जो हैं यह पूर्ण वर्ग हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 करेंगे तो मिल जाएगा 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x के स्थान पर x प्लस 1 है, तो उसके लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे। माना x प्लस 1 इक्वल टू t, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर आपको मिल जाएगा dx इक्वल टू dt। तो इस प्रकार ये जो दिया गया फलन है इसका समाकलन हम इसे लिख पाएंगे dx के स्थान पर हम dt लिखेंगे और x प्लस 1 के स्थान पर t लिखेंगे, तो ये t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका समाकलन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। इस सूत्र का उपयोग करते हैं, x के स्थान पर यहाँ पर t है और a के स्थान पर यहाँ पर 2 है, तो इस प्रकार इसका समाकलन मिल जाएगा 1 अपॉन a, तो ये 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन a, x के स्थान पर यहाँ पर t अपॉन a के स्थान पर है 2 प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। अब पुनः t का जो मान है उसे हम रख देते हैं, तो आपको मिल जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c, कांस्टेंट है। तो ये इस दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसका हमें समाकलन करना है। समाकलन करने के पहले इसे हम पूर्ण वर्ग में बदल करके फैक्टर के रूप में ज्ञात कर लेते हैं और फिर सीधे हम इसका समाकलन कर देंगे। तो आप 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इन सभी पदों में आप 2 को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब फिर से x स्क्वायर प्लस 2x है, इसका मतलब ये कि ये 2ab के फॉर्म में है बीच वाला पद, तो एक पद इसमें एक भी होगा, अर्थात इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। अब या तो आप इसमें इस प्रकार कर सकते हैं, एक जोड़ सकते हैं, एक घटा सकते हैं, या फिर जब हम इसमें एक लिख रहे हैं तो इस 3 के स्थान पर हम इसे 2 लिख देते हैं, 2 और 1 3। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है यह पूर्ण वर्ग में परिवर्तित हो चुका है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 को आप लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर। अब दिए गए फलन का समाकलन हम ज्ञात कर रहे हैं। माना कि i इक्वल टू है dx, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 6। इसके स्थान पर हम इस पद को लिख सकते हैं, तो ये 1/2, क्योंकि जो 2 है ये कांस्टेंट है, x से रहित पद है इसलिए वो बाहर आ जाएगा फलन के बाहर, और dx अपॉन ये वाला पद x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब पुनः ये x प्लस 1 है, प्रतिस्थापन का उपयोग करना होगा, x प्लस 1 इक्वल टू t, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dx इक्वल टू dt। तो जो दिया गया फलन है वो कुछ इस तरीके से रूपांतरित हो जाएगा, 1/2 dx के स्थान पर हम लिखेंगे dt, x प्लस 1 के स्थान पर लिखेंगे t, और ये रूट 2 का होल स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर। अब चूंकि आप यह पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इस सूत्र का उपयोग करके हम इसका समाकलन सीधे तौर पर लिख सकते हैं। तो ये आपको मिल रहा है 1/2 1/a, तो 1/√2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स के स्थान पर यहाँ पर है टी, टी अपॉन ए, और प्लस सी, जहाँ पर सी समाकल नियतांक है। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 1/√2 टेन इनवर्स टी, और टी के स्थान पर हमको लिखना होगा एक्स प्लस 1, और ये अपॉन रूट 2 प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो इस प्रकार और भी प्रश्नों को हम इसी अवधारणा का उपयोग करके सरल कर सकते हैं। इसमें अगला फलन दिया गया है 1/2x² प्लस x प्लस 1। इस फलन का हमें समाकलन ज्ञात करना है। समाकलन ज्ञात करने के पहले हम हर में जो दिया गया पद है उसे गुणनखंड के रूप में थोड़ा और सरल कर लेते हैं। तो 2x² प्लस x प्लस 1, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यदि हम 2 को उभयनिष्ठ निकालें तो हमें मिल जाएगा x² प्लस x अपॉन 2 प्लस 1/2। x² प्लस 2ab इस फॉर्म में आएगा। प्रथम पद में x² मिल चुका है, मिडिल वाला जो टर्म होगा ये 2xy इस फॉर्म में होता है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x² प्लस 2 का मैं गुणा कर रहा हूँ और मैं 2 का भाग कर रहा हूँ, ताकि ये 2ab के फॉर्म में या 2xy इस फॉर्म में यह दिख जाए। प्लस देखिए ये x प्रथम पद है, तो 1 ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 4, 1/4 जो होगा ये उसका दूसरा पद होगा, या कुछ इस तरीके से आप समझिए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसे आप लिखते हैं x² प्लस 2xy प्लस y², चूँकि ये प्लस के फॉर्म पर है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले में ये आ जाएगा। तो ये 2 तो हमें मिल चुका है, ए एक्स यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर ये y है, तो और y के स्थान पर 1/4 हमें मिल जाएगा। तो 1/4 हमें ऐड करना होगा और 1/4 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि बैलेंस बना रहे। इस पद को मैंने जोड़ दिया और इस पद को मैंने घटा दिया, अर्थात यही पद हमें आगे मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि प्रथम तीन पद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पद है यह सीधे तौर पर पूर्ण वर्ग हमें मिल रहा है और इसको हम आगे सरल करके लिखेंगे। तो ये आपको मिल रहा है 2 × x + 1/4 हमें मिला था, तो 1/4 का स्क्वायर आप ऐड करेंगे और 1/4 का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपको मिल रहा है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, प्लस चिन्ह लगा लेते हैं, 1/2 और ये 16। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 8 8-1,
और इसे और सरल करें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर प्लस 7 बाई 16, या फिर आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर प्लस रूट 7 अपॉन 4 का स्क्वायर। अब ये जो दिया गया फलन है, माना कि इसका जो समाकलन है ये I है, तो dx एक्स अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, dx अपॉन इसको ही सरल करने पर हमें ये पद मिला था, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर प्लस रूट 7 बाई 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इस सूत्र में हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर x प्लस 4 है, तो यहाँ पर भी पुनः हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे, x प्लस 1 बाई 4 इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dx इक्वल टू dt। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 बाई 2, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, dx अपॉन इसके स्थान पर हमने t रखा है तो ये मिल रहा है t स्क्वायर प्लस रूट 7 बाई 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये x स्क्वायर है, यहाँ पर ये t स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर रूट 7 बाई 4 है, तो इसका समाकलन हम सीधे लिख सकते हैं ये 1 बाई 2 यहाँ से 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a एक स्थान पर ये रूट 7 बाई 4 टेन इनवर्स x अपॉन a, यहाँ पर ये t है अपॉन a, तो ये आपका रूट 7 अपॉन 4 प्लस c। अब ये जो t है इसके स्थान पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसे थोड़ा और सरल कर लेते हैं, ये मिल जाएगा, ये अंश में चला जाएगा 4 अपॉन 2, तो ये मिल जाएगा 2 अपॉन रूट 7 टेन इनवर्स t, और t के स्थान पर हम लिखेंगे x प्लस 1 बाई 4 अपॉन रूट 7 बाई 4 प्लस c, या फिर और इसे सरल करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट 7 टेन इनवर्स, इसमें LCM लेंगे तो 4 मिल जाएगा, तो 4x प्लस 1 और यहाँ पर ये रूट 7, यहाँ का 4 और यहाँ का 4 दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। तो यही वह फलन है जो कि दिए गए फलन का समाकलन है जिसे हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है 1 अपॉन 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इस फलन का समाकलन करने के पहले दिए गए हर में जो राशि दी गई है उसे हम दो अलग अलग पदों के गुणनफल या दो पदों के वर्गों के योग या अंतर के रूप में लिख लेते हैं या सरल कर लेते हैं और फिर हम इसका समाकलन करेंगे। यदि इसमें से माइनस चिन्ह को मैं बाहर ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, ये धनात्मक हो जाएगा, यह पद भी धनात्मक हो जाएगा और ये जो धनात्मक पद है यह ऋणात्मक हो जाएगा। अब इस पद को वर्ग के रूप में लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए यह है माइनस वन और हर में है एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन होगा, तभी हम इसको टू एक्स लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के स्थान पर यहाँ पर भी एक्स है ये, और यहाँ पर देखा जाए तो वाई है और यहाँ पर ये वन है, तो इसका मतलब ये कि इस पद में एक का वर्ग मुझे जोड़ना होगा और एक का वर्ग मुझे घटाना होगा। तो इस तरीके से आगे हम पूर्ण वर्ग बन चुका है, प्रथम तीन पद जो है यहाँ से हमें पूर्ण वर्ग मिल रहा है और इस पद को सरल करेंगे हमें मिल रहा है माइनस वन अपॉन, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है,
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस, माइनस और माइनस थ्री मिल जाएगा माइनस फोर, और माइनस फोर को आप लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस साइन टू का स्क्वायर। अब माना कि दिए गए फलन का समाकलन आई है, इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन थ्री माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसी पद को सरल करके हमने ये लिखा है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं डी एक्स अपॉन ये माइनस वन है तो ये माइनस चिन्ह को मैं बाहर लिख रहा हूँ, और फिर ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। तो आपने यह सूत्र पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये होता है वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। देखिए यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स प्लस वन है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ये टू है, तो इसके लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग कर लेते हैं कि माना x प्लस वन इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हम लिख सकते हैं i इक्वल टू माइनस साइन डी एक्स, एक्स के स्थान पर आप डी एक्स के स्थान पर आप डी टी लिख सकते हैं, और ये x प्लस वन के स्थान पर हम t लिख सकते हैं, तो ये मिल गया टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। अब ये डायरेक्टली इस फॉर्म को बिलोंग कर रहा है, माइनस साइन ये पहले हमने जो सरल किया था उससे, और वन अपॉन टू ए, ए के स्थान पर यहाँ पर टू, तो टू इंटू टू, फिर लॉग ऑफ एक्स, एक्स के स्थान पर यहाँ पर है टी, टी माइनस ए, ए के स्थान पर है टू, और ये टी प्लस टू प्लस सी, जहाँ पर सी समाकलन नियतांक है। अब आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा माइनस वन अपॉन फोर लॉग ऑफ टी, टी के स्थान पर आप x प्लस वन रख सकते हैं माइनस टू, और ये x प्लस वन प्लस टू प्लस सी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि log ऑफ m का पावर n जो होता है ये n log m इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये जो ऋण चिन्ह है उसको इस पद पर ले आते हैं, तो अंश जो है हर में और हर जो है वो अंश में चला जाएगा, तो इस प्रकार आप लिख पाएंगे वन बाई फोर log, देखिए वन माइनस टू करेंगे तो माइनस वन मिल जाएगा और ये आपको हर में मिलेगा, और ये एक्स प्लस थ्री ये आपको अंश में मिलेगा प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया था।